हरदोई के विकासखंड कचौना का जूनियर हाई स्कूल किटियामऊ में एक भी अध्यापक काफी समय से तैनात नहीं है, जिससे ये स्कूल बंद चल रहा है। ऐसे में इस स्कूल चलो अभियान को जिम्मेदार अधिकारियों के कारण गति नहीं मिल पा रही और बच्चों का जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। 3 महीने से स्कूल ये बंद चल रहा, बच्चे आते हैं देख के चले जाते हैं। अरे स्कूल 2-3 महीने से बंद है, इसमें टीचर ही नहीं आते हैं तो बच्चे यहाँ क्या पढ़ेंगे, भाग जाते हैं। स्कूल 2-3 महीना बंद है, बिल्कुल कोई आते नहीं, बच्चे आवत कहाँ पढ़े, हमारे यहाँ चपरासी आवत पर बैठ रहा चले जा। पहले भी बंद था, बहुत कोशिश करने पर टीचर आया, एक अध्यापिका आई, उन्होंने यहाँ पे 2-3 महीने पढ़ाया। उसके बाद में जहाँ से वो आई थी फिर अपना वहीं पे करवा लिया, और यह 2-3 महीने से बंद है। और एक चपरासी आते हैं, और जब चपरासी आता है तो बच्चे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आज के टाइम में प्रधान जो है प्रतिनिधि है, ये स्कूल लगभग हमारे यहाँ 3 महीने से बंद चल रहा है, कंटिन्यू 3 महीने से, और बीच में 1 महीने के लिए लगभग आए थे कोरोना के बाद। कोरोना काल के बाद में 1 महीने स्कूल खुला, टीचर बाहर से आए कुछ दिन पढ़ाए और फिर वो भी अपनी अपनी जगह चले गए, फिर से कंटिन्यू स्कूल बंद चल रहा है। और हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना स्तर गिरा हुआ है कि अभी तक कागज़ों में चलता रहता है लेकिन ज़मीनी तौर पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अभी सुना है कि स्कूल चलो अभियान में बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा आप देख लीजिए अभी तक बंद चल। मुझे आपके गाँव में संज्ञान में लाया गया, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी का समय से आख्या प्राप्त की गई, उनके अनुसार ये दोनों विद्यालय अभी अध्यापक विहीन है। इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में दीपक कुमार को और तथा कटिया में इंद्रजीत और श्रीमती बीड़ा रवि को संचालित किया गया था। कुछ लोकल दबाव के कारण से श्रीमती बीड़ा जी पहली अप्रैल से विद्यालय नहीं आए, उनकी आख्या अनुसार, और पुनः उनको इंद्रजीत को जो अपने विद्यालय में वापस जा चुके हैं उन्हें भेज करके उसको संचालित किया जा रहा है, और उस प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित है।